Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. भाई हमने अपने इस बैच में मिशन किया कि NCERT का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. So examples भी डिस्कस करते हैं. Important questions है examples में बहुत. चलो Example 1 says a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. चलो अब यहाँ पे जरा एक बार फिगर बना लेते हैं ताकि और आपको easy हो जाए समझना. So start कर रहे हैं. उन्होंने बोला एक टावर है जो vertically मतलब जैसे ground level, ये ground level हो गया हमारा, ठीक है. यहाँ पे मान लो एक टावर है हमारा, ओके. अब उन्होंने बोला ये जो ग्राउंड है ना इस फुट से लेके कितने मीटर के गैप पे बोला है 15 मीटर अवे. मान लो यहाँ तक 15 मीटर है, सो ये हमारा 15 मीटर है. यहाँ से उन्होंने बोला है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इस पॉइंट से, जैसे नीचे से ही होगा ऑफ कोर्स एंगल ऑफ एलिवेशन. सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंगल क्या है बच्चे हमारा 60 डिग्री, ओके. सो एंगल है आपके पास, देखा जाए तो बेस है, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ टावर. टावर कहाँ है, ये वाला है, तो मतलब ये जो है दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. चलो यहाँ नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, ओके. आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, टैन यूज कर सकते हैं सिंपल. सो वील स्टार्ट विद tan 60 डिग्री. एंगल 60 डिग्री का है, सो tan 60 डिग्री क्या होगा, पहले क्या आएगा परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन में BC. सो tan 60 होता है बच्चे √3 एंड AB हमारा H हो गया, BC हमें गिवन है 15. सो ये हमारा हो गया 15 √3 इक्वल्स टू H, ठीक है. यही हमें क्वेश्चन में निकालना था. सो H हमारा आ गया 15 √3. सिंपल इजी पीजी सा क्वेश्चन था. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल 2 सेज एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. सो भाई ये हमें पोल यहाँ पे दे रखा है, इस पोल की हाइट है बेटा 5 मीटर. ध्यान रखना क्या गिवन है क्वेश्चन में, पोल की हाइट, पूरे पोल की हाइट दे रखी है. आगे क्योंकि दे रखा है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. सो जैसे अगर ये आपका 5 मीटर का पोल है, अब उसको यहाँ पे इस पोल के टॉप पे नहीं पहुंचना, उसे पहुंचना है किसी इस पॉइंट पे पहुंचना होगा जो कि इस पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे है. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये पूरा पोल जो है बच्चे 5 मीटर का है एंड जहाँ जिस पॉइंट तक उसको पहुँचना है वो 1.3 मीटर्स नीचे है. अब आगे देखो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन. अब भैया उसको यहाँ पे पहुँचना है, सो वो कह रहे हैं क्या लेंथ होनी चाहिए लैडर की जिसको वो प्लेस करे जिससे वो इस पॉइंट तक पहुँच सके, ठीक है. सो नाउ अब देखो पहली चीज यहाँ से ही समझ आ गई कि हमें ये लेडर की लेंथ निकालनी है. 60 डिग्री एंगल दे रखा है, यहाँ पे जरा इसको स्ट्रेट करके ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल. आगे क्या गिवन है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस दी फुट ऑफ दी लैडर. अब वो पूछ रहे भाई जैसे लैडर उसने यूँ रखी, सो यहाँ ये पोल का फुट है, ये लैडर का फुट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब इस केस में ये DC भी आपको फाइंड करना है. ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में बोली है, कभी भी इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि हाँ इसकी फिगर दे रखी है. एग्जाम में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बुक में भाई इस क्वेश्चन के साथ फिगर दी तो एग्जाम में भी आएगी, ठीक है. हर क्वेश्चन को रीड करके उसकी फिगर खुद बनानी आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चे. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें ये, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री का है, तो हमें एक तो बेस निकालना है और हमें ये हाइपोटेन्यूस निकालनी है, ठीक है. स्टार्ट करें. सो इसको रब कर लेते हैं. नाउ अब देखो ये जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्रायंगल में मेरा पूरा AD नहीं आ रहा, मेरा ये B पॉइंट से D पॉइंट तक आ रहा है. BD क्या होगा भाई, पूरा पोल आपका 5 मीटर का है, उसमें से अगर ये 1.3 मीटर्स हटा देंगे तो BD आ जाएगा, है ना भाई. सो BD हमारा हो जाएगा पूरा ये जो AD है इसमें से माइनस कर दो AB. सो ये हो गया हमारा 5 माइनस 1.3 3.7 आ जाएगा. सो देयरफॉर ये जो आपका B से लेके D तक है, यहाँ से लेके जो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है दैट इज 3.7. ठीक है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज और आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, टैन यूज कर लेंगे। एंड जब हमारे को ये निकालना होगा, हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसके लिए साइन या कॉस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी टैन 60 डिग्री बच्चे हमारा हो जाएगा। टैन क्या होता है याद है ना भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी डी, अपॉन में बेस क्या है हमारे पास सी डी, ये हमें फाइंड भी करना है बेस, है ना। सो टैन 60 हमारा होता है बेटा √3 इक्वल्स टू बी डी हमारा हो गया 3.7 एंड सी डी हमें फाइंड करना है। सी डी इधर भेज दो, √3 नीचे ले आओ। सो सी डी इक्वल हो जाएगा 3.7 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखो हमें क्योंकि डीसी फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि अपॉन में √3 है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 की ये वैल्यू है, सो हम क्या करेंगे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो जाएगा 3.7 अपॉन में। देखो ये भी मैटर करता है कि √3 की आपको जो वैल्यू दे रखी है कितने डेसिमल पॉइंट तक दे रखी है। जैसे यहाँ पे 1.73 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ 1.7 ले लो, आपको जो वैल्यू दे रखी है एग्जैक्ट सेम लेनी है। अगर वो 3 डिजिट तक दे रखी होगी तो आपको 3 डिजिट की लेनी है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आप देखो इसको जब भी ऐसे डेसिमल वाले डिवीजन में आते ना, सिंपल चीज़ क्या करो, यहाँ से डेसिमल हटाया, इसके पीछे 1 डिजिट थी 1 0 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाया, इसके पीछे 2 डिजिट्स थी 2 0 लगा दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अपने आप आपके पास आ गया 370 अपॉन में 173। ठीक है, अब आपको इसकी डिवीजन करनी है, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। सो वी हैव 173 एंड डिवाइड किससे करना है हमें, मतलब 370 को डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो ज़रा 173 इंटू 2 करके देखते हैं। 3 2 6, 7 2 14, 2 1 2 प्लस 1 3 46। अब अगर मैं इंटू 3 करूँगी बड़ा ही जाएगा तो 2 से ही कर लेते हैं। 2 से किया, हमारे पास आ गया 346। माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4 आ गया भाई, 6 में से 4 गया 2 आ गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। सो डेसिमल लगाएंगे, ये आ जाएगा 240। अब 240 देखें, सो भाई 2 वाला तो बड़ा हो गया, 1 से करना पड़ेगा। 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 173 एंड आई थिंक 1 डेसिमल प्लेस तक भी निकाल लिया तो काफ़ी है। सो हमारे पास आंसर आ गया बच्चे इसका 2.1, क्योंकि ये हमारे पास उसमें आया डेसिमल में आया तो अप्रॉक्स लिख देंगे साथ में। ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आया। चलो अब आगे देखो, अभी हमने क्या निकाला है, हमने तो डिस्टेंस निकाला है कि भाई जो पोल का फुट था और जो लैडर का फुट था कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा। अब हमें देखना है लैडर कितनी लेंथ की होनी चाहिए। सो उसके लिए अब तो देखो आपके पास बेस भी है एंड आपके पास परपेंडिकुलर भी है, तो अगर आप पी अपॉन एच करके साइन का लगाना चाहते हो वो लगा लो, अगर आप बी अपॉन एच करके कॉस का लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, जो हम चाहेंगे हम वो ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे साइन यूज़ कर रही हूँ। अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल सेम ही रहेगा हमारा बी डी सी, साइन एंगल अगेन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री हमारा इक्वल हो जाएगा, साइन 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना मतलब बी डी अपॉन में बी सी। सो बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 60 हमारा क्या होता है √3 अपॉन में 2। तभी मैंने आपको कहा था वैल्यूज जितनी ये छोटी छोटी याद कर लोगे ना, आगे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, सो बी डी हमने फाइंड किया था 3.7 एंड बी सी अभी हमें निकालना है जो हमारी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो चलो फिर से वही करेंगे, बी सी इधर भेज देते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3.7 इंटू 2 हो गया एंड अपॉन में √3 आ गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 3 2 6 प्लस 1, 7.4 आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 7.4 अपॉन में अगेन √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। फिर से वही चीज़ करेंगे बेटा, यहाँ डेसिमल हटाओगे 1 0 लगेगा, नीचे 2 0s है, मतलब डेसिमल हटाओगे 2 डिजिट है तो ऊपर 2 0। सो ये आ गया हमारे पास 1 0 से 1 0 कटा 740 अपॉन में वी हैव 173। चलो डिवीजन करते हैं, हमें डिवाइड करना है 173 को किससे करना है 740 से करना है। सो देखो ज़रा 173 इंटू 2 तो किया था आगे, अब इसको 3 से कर लेते हैं। 173 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, देन 3 1 ज़ा 3, फोर फाइव, सो ये आ गया 519। अभी इससे बड़ा भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, 4 से करते हैं। सो ये आ जाएगा 4 3s 12, 7 4s 28 प्लस 1 29, 4 5 6, तो ये आ गया 692। अब इससे बड़ा जाओगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, सो 4 से करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 692। सो ये हो जाएगा 10 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 8, ये बचा 3 तो बन जाएगा 13, 9 10 11 12 13, ये आ गया 4 एंड यहाँ पे 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, डेसिमल लगा दो, ये हो गया 480। अब 480 से छोटा देख लो, यहाँ पे हमारे पास 346 है, 3 से किया था तो बड़ा आ गया था तो 2 से ही करेंगे, 2 से करोगे ये आ जाएगा 346 एंड देन आगे हो जाएगा, बट हम एक डेसिमल प्लेस तक ही ले लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4.2, सो दिस इज 4.2, अगेन ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि भैया ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। सो यही दो चीज़ें आपको निकालनी थी, लैडर की कितनी लेंथ होगी वो भी हमने निकाल दिया, कितने डिस्टेंस पे रखना है ये भी हमने फाइंड कर दिया। ओके, सो नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 3 इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सो दो चीज़ें हैं भाई, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ, पहले ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है जिसकी हाइट जो कि 1.5 मीटर टॉल है एंड एक चिमनी है, चिमनी बड़ी होगी ऑफकोर्स उससे। सो यहाँ पे ये चिमनी है। अब दो चीज़ें बताई हैं, एक तो ये बताया कि ये जो पर्सन खड़ा है दैट इज़ 1.5 मीटर टॉल एंड चिमनी से जितने डिस्टेंस पे वो खड़ा है दैट इज़ 28.5 मीटर। सो 28.5 मीटर पे वो खड़ा हुआ है। अब हमें बोला है The angle of elevation of the top of the chimney from her eye is 45 degree. अब यहाँ से, अब उसकी आई से जब वो देख रही है टॉप पे, जब वो चिमनी के टॉप पे देख रही है तो उसका क्या एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। कैसे बनेगा देखो, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल साइड हो गई एंड ये हो गया हमारा एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। फिगर क्लियर हो गई, समझ में आ गया। What is the height of chimney? अब आपको बताना है कि ये जो चिमनी है, ये जो हमने चिमनी ली है, इसकी हाइट क्या होगी। अब इस हाइट में बच्चे 1.5, तो ये वाला पार्ट, इतना जो पार्ट है ये तो 1.5 ही हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो है ये हम निकाल लेंगे, सो ये हमारे पास पूरी हाइट आ जाएगी। लेबलिंग कर लेते हैं पहले, ये हो गया A, B, C एंड D, ठीक है। आप ट्राइंगल देख लो हमारे पास कौन सा बन रहा है बच्चे, A डी एंड इसको भी नाम देते हैं ई पॉइंट, ठीक है। तो ए ई डी ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एच हमें निकालना है, ये हमें पता ही 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। सो स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल ए डी ई में अगर हम देखेंगे सो टैन ले सकते हैं क्योंकि अगेन वही चीज़ है हमारे पास, बेस और परपेंडिकुलर है। सो वील टेक टैन 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा बच्चे, अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, परपेंडिकुलर क्या है, डी ई है मतलब एच है। सो एच अपॉन में बेस कितना है, ए ई। सो अपॉन में लिख दिया हमने ए ई, या डायरेक्ट लिख लो 28.5, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज 28.5। ओके, यहाँ पे देखो tan 45 क्या होता है बच्चे, 1 होता है, इक्वल्स टू h अपॉन 28.5। 28.5 को वहाँ भेजोगे, आ गया h इक्वल्स टू 28.5। सो हाइट हमारे पास मतलब h हमारे पास। अच्छा यहाँ पे भी देखो गड़बड़ हो जाती है कि h 28.5 हो गया, हम कहेंगे चलो आ गया आंसर, लेकिन आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, पूरी चिमनी की हाइट d से लेके c तक। सो डी सी ये हमें फाइंड करना है, ये क्या होगा, h प्लस मतलब ये वाला पार्ट प्लस 1.5। सो h प्लस 1.5 करेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, दैट मीन्स वी हैव 28.5 प्लस 1.5, ये आ गया 550, आएगा 8 9 10 एंड 3। सो ये आ गया 30 मीटर्स। तो हमें जो चिमनी की हाइट निकालनी थी दैट इज 30 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल था ये तो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 सेज फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सो यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, बिल्डिंग है भाई 10 मीटर टॉल। सो यहाँ पे बिल्डिंग बना लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये 10 मीटर टॉल दे रखी है, ऑल्सो ग्राउंड लेवल से एक पॉइंट बोला है हमें, ये पॉइंट हो गया, ये हमारी बिल्डिंग हो गई जो कि कितनी गिवन है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग गिवन है एंड पॉइंट पी गिवन है, ग्राउंड पे पॉइंट पी हो गया हमारा. अ फ्लैग इज, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी था ना, सो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है बच्चे, 30 डिग्री. ओके देखो एक चीज़ और समझना, जैसे हमने ये फिगर बनाई, अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि बिल्डिंग 10 मीटर की इधर बनी, पॉइंट पी इधर लिया और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे था. ठीक है, कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये फिगर ऐसे है ये फिगर ऐसे, आंसर सब में सेम आएगा. भाई बिल्डिंग इधर है, राइट लेफ्ट तो कुछ नहीं दे रखा होता ना क्वेश्चन में, तो वो किसी भी तरीके से बन सकती है. चलो इसको हटाते हैं, अरे हट जा भाई. चलो आप देखो जरा, ये हो गया 10 मीटर. आगे देखो, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री. अब देखो जरा क्या बोला है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक हमारा यहाँ पे फ्लैग होस्ट होना है यहाँ पे, एंड इसके टॉप से सेम इस पी पॉइंट का अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो 45, मतलब ये 30 है तो ये जो पूरा एंगल है ये 45 डिग्री हो गया. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, सो यहाँ से आपको ये निकालना है, H लिख देते हैं इसको, ये फाइंड करना है भाई ये वाला पार्ट. ठीक है ना, बिल्डिंग के ऊपर जो लगा हुआ है. आगे देखो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, अब इस पॉइंट से बिल्डिंग का क्या डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड करना है. ओके क्लियर है, मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स. ये P था तो इसको Q दे दो, नाम R दे दो और S दे दो. ठीक है, चलेगा. चलो अब देखो जरा, यहाँ पे हमें पता है ये 10 है तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा तो हम H वाला पार्ट निकाल लेंगे. तो स्टार्ट करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल से PQR. सो इन ट्रायंगल PQR अगेन बच्चे एक परपेंडिकुलर बेस है, क्या लेंगे tan. सो वी हैव tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है RQ अपॉन में बेस कितना है QP. सो नाउ tan 30 हमारा क्या होता है बेटा 1/√3 इक्वल्स टू आर क्यू की बात करें 10 गिवन है हमें तो ये हो जाएगा 10/QP. ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं. आप देखो जरा QP हमें फाइंड करना है, इसको यहाँ भेज दो, ये हो गया QP इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 10 × √3. अब यहाँ पे √3 की अगेन वैल्यू दे रखी है और वैल्यू क्या दे रखी है 1.732. मैंने बोला था ना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में 1.7 दे रखी है 1.7 लोगे, अगर क्वेश्चन में 1.73 गिवन है तो 1.73 लोगे, एंड अगर आगे 3 डिजिट्स तक गिवन है तो आप उतनी ही एग्जैक्ट लोगे. सो यहाँ पे 1.732 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से. तो अब देखो 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ गया 17.32. तो मतलब ये जो डिस्टेंस हमसे पूछा था दैट इज 17.32, ये आ गया हमारे पास QP. एंड अब दूसरा हमें निकालनी है भाई ये जो हमारा ऊपर फ्लैग स्टाफ है उसकी हाइट निकालनी है. सो पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल SQP. सो इधर कर रही हूँ मैं इन ट्रायंगल SQP. पहली बात तो पूरा ट्रायंगल में एंगल क्या है 45 डिग्री. सो ये हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर बच्चे पूरा SQ है मतलब H+10. तो परपेंडिकुलर हो गया H+10 एंड बेस हमारा हो गया QP. ठीक है, एक बार मैं समझाती हूँ फिर से. हमने यहाँ पे क्या किया, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया आप एंड tan 45 लिया. सो परपेंडिकुलर क्या है ये पूरा SQ H+10. सो ये परपेंडिकुलर हो गया H+10 एंड बेस वही है QP. सो ये QP आ गया यहाँ पे. अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड वैल्यूज पुट करते हैं. tan 45 तो 1 हो गया, H+10 एज इट इज लिख दो एंड QP अभी हमने निकाला है 17.32 तो ये आ गया 17.32. सो इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 17.32 इक्वल्स टू H+10. +10 को इधर भेजोगे ये हो जाएगा 17.32 -10 इक्वल्स टू H. तो H हमारा आ जाएगा 17.32 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 7.32. तो H हमारे पास आ गया 7.32. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में यही निकालना था आपको, निकालना था फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस. ठीक है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकाल दी एंड डिस्टेंस निकाल लिया. यही दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 सेज द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द हाइट ऑफ टावर बोला है हमें। सो मान लो बच्चे ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना लिया हमने ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे, एक होगा भाई हमारा 30 डिग्री वाला, एक होगा 60 डिग्री वाला। मान लो एक बार सन की शेडो जब पड़ रही थी, मतलब सन के एल्टीट्यूड की वजह से जो शेडो पड़ रही थी वो ऐसी थी और एक बार ऐसी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा क्या होती है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा जो लॉन्गर है, जैसे यहाँ पे देखोगे अगर डिस्टेंस तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है भाई। सो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है ये 30 डिग्री वाला होगा, क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री वाला ज़्यादा है, तो वहीं से ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो एंगल है 30 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है। शैडो की बात हो रही है। शैडो देखो, कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग है शैडो तो उसकी ऐसे सीधी ही पड़ती है। सो सन की रेस की वजह से ये शैडो बन रही है, 60 डिग्री वाली इतनी बनेगी, 30 डिग्री वाली ज़्यादा बनेगी, ये ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये 30 और 60 वाला कन्फ्यूजन हो तो मैंने आपको बताया था हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रेट चीज़ है ये परपेंडिकुलर हो गया, जितना आप इसके पास जाते रहोगे एंगल उतना ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि हमें पता है ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ना भाई, तो यहाँ 30, 60, 75 तब जाके आगे 90 तक पहुँचेगा। इसलिए जितना आप एल्टीट्यूड से दूर हो एंगल छोटा होता जाएगा। अभी और अगर यहाँ पे कोई मैं पॉइंट ले लूँ और इसको यहाँ तक बना दूँ, सो ये एंगल 30 से भी छोटा हो जाएगा। जितना ये 90 डिग्री से दूर जाता रहेगा एंगल छोटा होता रहेगा। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो आपको ये गड़बड़ नहीं होगी 60 और 30 वाली, ठीक है। अब एंगल समझ आ गया। अब उन्होंने बोला है कि जब 30 डिग्री है तब जो हमारा था वो 40 मीटर ज़्यादा है, मतलब ये जितना भी होगा ना, ये जो हमारी शैडो है मान लो ये x है, ये x दे रखी है, सो ये जो पूरी होगी हमारी ये इस x से भी 40 ज़्यादा होगी, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस x। इस चीज़ को ध्यान से समझना बच्चे। क्या बोला गया है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, मतलब जब ये 60 डिग्री था तब उसकी जितनी यहाँ पे शैडो की लेंथ थी, मान ली हमने x मीटर उसकी लेंथ थी, सो जब एंगल 30 डिग्री हुआ तो वो 40 ज़्यादा होगी, मतलब ये पूरा क्या हो गया 40 प्लस x हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो इसकी ज़रा लेबलिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए, बी, इस पॉइंट को C बोल देते हैं, इस पॉइंट को D बोल देते हैं, क्लियर। चलो अब आ जाओ भाई, इसको इधर कर लेते हैं। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। सो यहाँ जो ये टावर BC है इसकी आपको हाइट निकालनी है भाई, लेकिन अगर वो हाइट निकालनी है तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तभी निकाल पाओगे। एक एक करके दोनों ट्रायंगल लेंगे एंड फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे पहले अगर हम 30 डिग्री वाला ले लेते हैं, चलो कोई भी ले सकते हो आप, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ABC, सो इन ट्राइंगल ABC, ट्रायंगल ABC अगर हम ले रहे हैं, अगेन बेस लेंगे और हम परपेंडिकुलर लेंगे तो tan का फॉर्मूला लगेगा, मतलब tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, अपॉन में बेस क्या है AC। सो tan 30 इज 1/√3। BC की अगर हम बात करें उसको H मान लेते हैं, चलो ये हो गया हमारा H। सो ये हो गया जी H अपॉन में AC कितना है, AC है 40 प्लस x, तो ये हो गया 40 प्लस x। सो यहाँ से इसको उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई कर दो, √3h हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो गया √3h माइनस 40, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ऑल्सो जैसे मैंने ट्रायंगल ABC लिया, आप चाहते तो पहले छोटा ट्रायंगल भी ले सकते हो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। अब हम लेते हैं छोटा वाला अपना ट्रायंगल, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल है, BDC। सो ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC अगेन tan, कौन सा है हमारा अब एंगल 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे BC, मतलब H है हमारा, अपॉन में बेस क्या है x, तो ये हो गया x। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन में x हमने यहाँ पे निकाला था, x की वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा √3h माइनस 40 डिग्री, ठीक है। सो इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। √3 मल्टीप्लाई होगा √3h माइनस 40 से इक्वल्स टू h हो जाएगा। सो √3 इंटू √3 करेंगे 3h हो जाएगा माइनस √3 इंटू 40 करेंगे 40 √3 आ जाएगा इक्वल्स टू h हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस 40 √3 इक्वल्स टू h। अब 3h को उधर भेज देते हैं माइनस का 3h हो जाएगा। सो ये हो गया माइनस 40 √3 इक्वल्स टू माइनस 3 में से 1 गया 2h आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 40 √3 एंड 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू h। 2 से इसको कैंसिल करो, ये हो गया 20। h हमारा आ गया 20 √3। देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, हाइट निकालें वो तो चलो हमारी निकाल ली हमने। अगर हम बड़े की जगह पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते तो आपके पास थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू थोड़ी बड़ी लग रही है, सो वहाँ पे अगर वो वाला ट्रायंगल पहले लोगे तो x की वैल्यू छोटी आ जाएगी, बट आंसर दोनों केसेज में सेम ही आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज आर एग्जाम्पल 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। Example 6 says the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-store building are 30 degree and 75 degree respectively. So भैया दो चीज़ें हमारे पास आई हैं, ये बना लिया हमने अपना ground level, एक है जी building और एक है मल्टी स्टोर बिल्डिंग। अब भैया मल्टी स्टोर बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग से बड़ी होगी, सो वो हमने बड़ी बना ली। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस बिल्डिंग, इसके टॉप और बॉटम की बात हो रही है, कहाँ से? उस बिल्डिंग के टॉप से। सो भैया यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो। अगर दिमाग में ये भी नहीं आता ना कि भाई मल्टी स्टोर ये बिल्डिंग लंबी होगी, ये वाली बिल्डिंग लंबी होगी, जब वहाँ के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है, तो उधर से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो जो सामने वाली बिल्डिंग है वो नीचे होगी, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन पा रहा है। सो एक यहाँ पे और एक उसके फुट पे। अब क्योंकि बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल कहाँ बनता है? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अगर हम पहले वाले इसकी बात करें भाई, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइड, तो ये एंगल हो गया हमारा कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है पहला वाला एंगल, सो ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद अगर फुट की बात करें, सो अगेन ये लाइन ऑफ साइड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री। अब ध्यान क्या रखना है बच्चे हमें कि एंगल्स कहाँ लेते हैं हम? इधर लेते हैं, तो उसके लिए पहले तो इसको भी ज्वाइन कर देते, डॉटेड लाइन से ही कर रही हूँ मैं। अब देखो ज़रा अपने एंगल्स, ये 30 डिग्री। अब आपको इमेजिन करना है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये वाली ट्रांसवर्सल है बच्चे, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब अगेन ये और ये वाली पैरेलल ले लो, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। एक बार और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे दो आपके पास इस तरीके से पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, जो एंगल आपको दे रखा है ना वो ये वाला है। सो ये एंगल आपको देखना है, इस लाइन के सीध में चलते रहो, ये एंगल इस लाइन, ये इस एंगल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने फिगर अपनी बना ली है, इसके नेमिंग कर लेते हैं। इसको दे देते हैं पॉइंट ए बी सी डी ई, कहीं से भी, मतलब मैं लिख रही हूँ, आप पूरा लाइन वाइज लिख लेना, एक ही बात है। चलो अब देखो भाई हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। सो डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस, एंड ये वाली हमें निकालनी है पूरी हाइट। ठीक है, अब इस केस में ये हमें दे रखा है, ये जो हमारी बिल्डिंग थी 8 मीटर, तो अगर बच्चे ये 8 मीटर है तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी इसको ज़रा मैं हटाती हूँ, अगर ये 8 मीटर है तो ये वाला पार्ट इससे डी से लेके बी तक ये भी 8 मीटर होगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही निकालना है, बाकी इस पूरे को आप प्लस कर दोगे, एच प्लस 8 कर दोगे, है ना। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक एक करके ट्रायंगल लेंगे, जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, एक ट्रायंगल ये है और एक ये छोटे वाला ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर लें। सो वी हैव टैन 30 डिग्री, ऑल्सो मेंशन कर देती हूँ ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी ले रहे हैं हम, टैन 30। अगेन परपेंडिकुलर कितना है इसमें? एच अपॉन में बेस कितना है? सी डी। सी डी किसके इक्वल होगा? ए बी के, चाहे सी डी हो चाहे ए बी हो, एक ही बात है। इसको मान लेते हैं एक्स है, ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स हो जाएगा, तो अपॉन में आ गया x हमारे पास। ठीक है, आप देखो जरा tan 30 की बात करें, ये होता है 1/√3 इक्वल्स टू h/x। यहाँ से हमें x मिल जाएगा √3h। ठीक है, अब हमें पता है ना भाई, जब नेक्स्ट ट्रायंगल पे जाएंगे उसमें भी x तो आएगा, वहाँ पे x की वैल्यू ये लिख देंगे। अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ, ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल कितना है इस पे? 45 डिग्री का. सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर क्या है बच्चे EB. सो ये हो जाएगा EB अपॉन में बेस है AB. जरा वैल्यूज देखो. EB की अगर मैं बात करूँ तो H प्लस 8 करेक्ट. सो ये हो जाएगा H प्लस 8 अपॉन में AB की बात करें तो वो हमने X लिया हुआ है. सो ये आ गया X. जरा इसको ऊपर करते हैं. tan 45 1 होता है. ये हो गया H प्लस 8 अपॉन में X यहाँ से पुट कर लेंगे रूट 3H. सो ये आ गया रूट 3H. रूट 3H को उधर भेज दो. ये आ गया H प्लस 8 एंड H को उधर भेजो. ये आ जाएगा रूट 3H माइनस H इक्वल्स टू 8. अब यहाँ से H कॉमन लेंगे रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 एंड यहाँ से H हमारा क्या आ जाएगा बेटा H इक्वल्स टू हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1. अब इस क्वेश्चन में रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं दे रखी. एक बार चेक कर लेते हैं. सो रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं है. क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट 3 तो नहीं छोड़ सकते. रैशनलाइज कैसे होगा इनटू में रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1. सेम चीज़ बस साइन चेंज. तो ये हमारे पास आ जाएगा h इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 एंड अपॉन में जाएंगे. सो a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर लिख देती हूँ a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मतलब यहाँ पे क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. सो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. सो अपॉन में आ गया 2. अब देखो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे आ जाएगा 4. सो h हमारा आ गया 4 रूट 3 प्लस 1. लेकिन ध्यान रखना है भाई क्वेश्चन में h नहीं पूछा आपको. ये ईडी की नहीं पूछी थी आपसे पूरी इसकी हाइट पूछी थी. तो टोटल हाइट क्या है हमें e से लेके b तक चाहिए. तो दैट इज h प्लस 8. तो h अभी जो हमने फाइंड किया है कितना फाइंड किया था 4 रूट 3 प्लस 1. सो 4 रूट 3 प्लस 1 प्लस 8. तो देखो जरा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4 रूट 3 प्लस 4 वन सा 4 प्लस 8. तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 8 प्लस 4 इज 12. दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा. 4 कॉमन लिया ये आ गया रूट 3 प्लस 3. सो ये आ गई हमारी टोटल हाइट. ठीक है समझ में आया. यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने फिगर करेक्ट निकाल लेना बेटा एक बार सही फिगर बन गई तो ये सब सिर्फ कैलकुलेशन है. फिगर ठीक होगी तो आपके 90% चांसेस है. अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. ठीक है. सो विद दिस लेट्स मूव टू दी लास्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 7. Example 7 says from a point on a bridge across a river the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे देखो आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक ब्रिज बना हुआ है. ये रिवर के ऊपर ब्रिज होता है एंड यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो भाई इधर भी हमें रिवर दिखती है इस साइड भी दिखती है. सो ये भी यही चीज़ है. तभी उन्होंने बोला ऑन दी ऑपोजिट साइड. इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम दी बैंक्स फाइंड द विथ ऑफ द रिवर. सो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज ही देख लेते हैं. ये मान लो भाई आपका ग्राउंड लेवल है. ठीक है. अब यहाँ से ऊपर ग्राउंड लेवल नहीं इसको मतलब वो सी लेवल समझ लेना जहाँ पे वो रिवर का लेवल है एंड ऊपर यहाँ पे एक ब्रिज है. ब्रिज का हमें दे रखा है भाई 3 मीटर्स का है ये. ठीक है. अब यहाँ से भाई दोनों साइड पे इधर से एक यहाँ पे जाएगा जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा बनेगा लाइन ऑफ साइट ये होगी एंड ऊपर अपनी हॉरिजॉन्टल साइड बना लेते हैं. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ यहाँ पे ये होगा 30 डिग्री. इसी तरीके से अगर हम इस वाले की बात करें यहाँ से ऑपोजिट साइड पे देखोगे. सो एंगल कितना है हमारा एंगल होगा 45 डिग्री. अब अगेन क्योंकि ऊपर है एंगल्स नीचे चाहिए हमें. ये लाइन पैरेलल है इसके इस एंगल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा. इस एंगल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा. ये है भाई 30 डिग्री ये है भाई 45 डिग्री. हमें निकालनी है रिवर की जो पूरी विड्थ है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपको फाइंड करना है. ठीक है. नेमिंग करते हैं ज़रा. थोड़ी सी फिगर ऐसी टेढ़ी सी बन गई है समझ जाना यार. ये हो गया पॉइंट ए बी सी एंड डी. ठीक है. अब 2 ट्रायंगल बन रहे हैं. एक है ए बी सी. ए बी सी की हेल्प में आप ये बी सी निकाल लोगे क्योंकि ये 3 मीटर दे रखा है. सिमिलरली ए सी डी से आप ये वाला निकाल लोगे पार्ट एंड दोनों को प्लस करके आपके पास बी डी आ जाएगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. सो ट्राइंगल ए बी सी हमने लिया एंड यहाँ पे देखो ये और ये परपेंडिकुलर और बेस. सो tan 30 डिग्री क्या होगा हमारा, ये है बच्चे परपेंडिकुलर 3 मीटर, सो ये आ गया 3 अपॉन में बेस BC हो गया, ठीक है। सो tan 30 इज 1/√3 इक्वल्स टू 3 अपॉन BC उधर भेज दो, ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू 3√3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास BC से लेके C तक का डिस्टेंस आ गया 3√3। दूसरे ट्राइंगल पे चलो tan 45, सो इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, सो ट्राइंगल ACD जो है बेटा दैट विल बी tan 45 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन में बेस क्या है इसका CD, सो यहाँ से आ गया ये 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन CD, सो C से लेके D तक आ गया हमारे पास 3, ठीक है। CD ऊपर चला गया, CD इक्वल्स टू 3। अब देखो ये जो पार्ट है दिस इज 3√3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, हमें पूरा BD निकालना है, दैट विल बी BC प्लस CD, तो ये आ गया 3√3 प्लस 3 कॉमन लिया, ये आ जाएगा √3 प्लस 1, सो सिंपल ये हमें निकालना था, दैट इज 3 and in bracket √3 प्लस 1। सो दिस वॉज दी लास्ट एग्जाम्पल। इसके साथ ये चैप्टर हमारा NCERT का कंप्लीट होता है। बेटा सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन NCERT का ऐसे आपको घोल के पीना ना कि कहीं पे भी इस क्वेश्चन का कुछ भी आ जाए तो आप हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, अभी के लिए NCERT पे फोकस रख रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चंस के आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर नंबर 9। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट ऑफकोर्स इन दी नेक्स्ट सेशन। So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.